तो मॉर्निंग टॉक में आपका स्वागत है। आज हम किस बारे में बात करें? क्या सत्य के बारे में बात करें, ट्रुथ के बारे में बात करें, विच इज दी हाईएस्ट रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी। मतलब कई नाम है इसके, सत्य के, गॉड, भगवान हो गया, अनंत, इमेजरेबल। इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है, सत्य को, ट्रुथ को। और योगियों का, स्पिरिचुअल फिलोसफर्स का, दिस इज द अल्टीमेट गोल, यही अल्टीमेट गोल है उन लोगों का, जिसके लिए ये सारी तपस्या जो भी है ये लोग करते हैं उस चीज के लिए, सत्य हासिल करने के लिए। किसी को निर्वाण की प्राप्ति हुई, कैवल्य की, मोक्ष की, मुक्ति की, एनलाइटनमेंट उसको प्राप्त हुई, मतलब उसको सत्य मिल गया है ना, उसको परमात्मा मिल गया। उसको परमात्मा का मतलब ये नहीं कि कोई आकाश में बैठा हुआ है, हाथ पैर है उसके और वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, परमात्मा का मतलब ये नहीं है, गॉड का मतलब ये नहीं है। और कई लोग कहते हैं कि सत्य जो है वो जब आप पूरी तरह से पूर्ण शांत हो जाते हो, कंप्लीटली क्वाइट हो जाते हो, तो वो अपने दर्शन देता है आपको खुद ब खुद, अनइनवाइटेड, है ना। कृष्णमूर्ति हो गए, कृष्णमूर्ति यही बात कहते हैं, जय कृष्णमूर्ति, कि ट्रूथ इज अनइनवाइटेड, यू कांट इनवाइट इट, बट वो आपके पास आता है, ना कि आप उसके पास जाते हो। सभी सत्य के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो ओशो हो गए, ओशो कह रहे हैं जब आप एक गहरे ध्यान में जाते हैं, एक आप डीप मेडिटेशन में जाते हैं, इन दैट डीप मेडिटेशन जब आप पूरी तरह से कंप्लीटली अपने आप को साइकोलॉजिकली डेड कर लेते हैं, तो आप अपने शरीर और मन से ऊपर चले जाते हैं और आपको पता लगता है कि इन दोनों से ऊपर भी कोई सत्ता है, जिसको ओशो ने बोला कि मेरे अंदर का जीवन जो अनंत है, जो कि आत्मा है। और स्क्रिप्चर्स, उपनिषद, शास्त्रों, इन सब में भी इसको ब्रह्म नाम दिया गया है, ब्रह्म, ब्राह्मण, आत्मन, जो भी हम इस चीज को कहते हैं। रमण महर्षि ऑन द अदर हैंड कह रहे हैं कि अपने आप को जानो, तुम्हारे विचार कहां से आ रहे हैं सारे के सारे, उसका सोर्स क्या है। रमण महर्षि का तरीका बहुत शॉर्टेस्ट तरीका है, कृष्णमूर्ति का लंबा तरीका है, ओशो का भी लंबा तरीका है, लेकिन रमण महर्षि इसीलिए उच्च साधकों के लिए है, जो सब कुछ जान चुके हैं, सब कुछ समझ चुके हैं, और लास्ट में बस उनको एक इंक्वायरी करनी है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब हम जरा इस चीज को बड़े ही न्यूट्रल भाव से इस चीज को देखें टुगेदर, साथ साथ, मैं और आप दोनों, कि असल में सत्य क्या है। ये प्रश्न कौन पूछ रहा है कि सत्य क्या है, ये आपका विचार प्रश्न पूछ रहा है कि व्हाट इज ट्रुथ, सत्य क्या है। और विचार मतलब समथिंग पास्ट, समथिंग मेमोरी, जो ओल्ड है ना, जो इल्यूजन है, विच इज नॉट द रियलिटी, ये प्रश्न पूछ रहा है। और ये प्रश्न भी जो पूछ रहा है कि सत्य क्या है, ये जो लोग पहले ये बात पूछ चुके हैं, पहले ये बात कह चुके हैं, विचार उन्हीं को बार बार दोहरा रहा है। हालांकि हर एक इंसान के अंदर एक नेचुरल भूख होती है कि वो शांति में रहना चाहता है, पीस में रहना चाहता है, वो इंसान जो है वो सेटिस्फाइड रहना चाहता है, एक चीज उसके अंदर हमेशा रहती है कि वो परमानेंट रहना चाहता है,
तो वही बात कही जा रही है कि समथिंग विच इज, जो सुख में भी है, दुख में भी है, जीवन में भी है, मृत्यु में भी है, जो हर जगह है, ऐसी परम सत्ता विच इज जो हमेशा है, एटर्नल है, व्हाट्स दैट? मैंने बताया ये चीज, पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कौन इंक्वायर कर रहा है, आपका विचार इंक्वायर कर रहा है, और विचार अगर इस चीज को जानेगा कि सत्य ये है, विचार विचार ही क्रिएट करेगा सत्य के बारे में, कि तुमने बोला सत्य क्या है, और विचार ने बोला सत्य मतलब शून्य है, जीरो, नथिंगनेस, गॉड, इमेजरेबल, अनंत, ब्रह्म, आत्मन, एक्सेट्रा, ये जो भी चीजें हैं। बट तुम बिल्कुल शांत हो, तुम जो विचार कह रहा है, विचार जो बोल रहा है, तुम उस चीज को कोई महत्व नहीं दे रहे हो, विचार बस अपना काम कर रहे हैं, तुम चीजों को बस देख रहे हो, उनके साथ रह रहे हो, नॉट लेटिंग थॉट इंटरफेयर। तो तुम देख रहे हो कि तुम हो ही नहीं, तुम्हारा एहसास तुम्हें कौन करवाता है, तुम्हारे विचार, तुम्हारा मन, और जब तुमने देखा कि तुम हो ही नहीं, तो फिर क्या है, ना ही कोई जानने वाला है, ना कोई देखने वाला है, ऑब्जर्वर है, ना कोई अनुभव करता है, कुछ नहीं है, तो फिर क्या है? तो जो है वो सत्य है, दैट्स ट्रूथ, द हाईएस्ट रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? स्पिरिचुअलिटी के क्रैश कोर्स के लिए, जो कि आपके जीवन में एक एक अच्छी इंक्वायरी, अच्छी शांति, आपके आप खुद को जान पाएंगे, ये बेहतर चीजें आपको जानने के लिए कि भाई एक्चुअल में प्रेजेंट मोमेंट क्या है, वर्तमान क्या है, अटैचमेंट क्या है, ये कुल 24 टॉपिक्स हैं, 24 वीडियोस हैं। तो इससे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 9773529489, और ये मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, अगर मुझसे बात भी करनी है तो भी आप इस नंबर से व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।